ये है जी iPhone 6s Plus और ये है जी iPhone 12 Pro Max। ये तो 2015 में आया था, ये 2020 में आया। इसकी 2GB रैम है, इसकी 6GB रैम है। दोनों की रैम में काफी ज्यादा फर्क है। कितना फर्क आता है? 2 और 6। एक मिनट कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 6 - 2 = 4 आ गया। इसकी रैम 2GB है, +2 = 6 हो गया। पहला आंसर क्या आया था? 4 6 + 4 = 10 हो गया। इसकी रैम कितनी GB है? 6 10 - 6 = 4 हो गया। दोनों में 4 का फर्क है जी। काफी मुश्किल कैलकुलेशन थी इसकी। इसका चिपसेट A9 है और इसका चिपसेट A14 बायोनिक है। डेफिनेटली आपको पता है भाई यही जीतेगा। लेकिन आज हम दोनों का स्पीड टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं 6s Plus 12 Pro Max के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्लो है। तो सबसे पहले मैं दोनों फोन को बूट अप करता हूं, चेक करता हूं कौन सा फोन जल्दी स्विच ऑन होता है। iPhone 6s Plus, iPhone 12 Pro Max। 12 Pro Max का बटन काफी ज्यादा लंबा है इसके कंपैरिजन में। दोनों के बटन को मैंने यहां पे प्रेस कर दिया। अब चेक करते हैं कौन जल्दी पावर ऑन होता है। तो 6s Plus का डिस्प्ले थोड़ा सा जल्दी ऑन हुआ था, लेकिन हम चेक करते हैं लास्ट पे कौन जल्दी पहुंचता है। चलो भाई बताओ हमें क्या सीन है। एक्सेस 12 प्रो मैक्स का डिस्प्ले ऑन हो चुका है, एक्सेस मुंह में चल रहा है। और ये 6s Plus चेक करते हैं कितनी देर बाद ऑन होता है जी। चलो भाई इसका भी ऑन हो गया जी। दोनों फोन पे मैंने ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हम वन बाय वन ऐप्स को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कौन सा फोन जल्दी ऐप्स को लोड करता है। दोनों को मैंने एयरप्लेन मोड पे लगाया हुआ है। दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम फोन की जो बाय डिफॉल्ट ऐप्स होती है जिनको हम खुद इंस्टॉल नहीं करते, जो कि फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है, जैसे कि ये कैलकुलेटर है, इनको मैं टेस्ट करता हूं दोनों कौन जल्दी ऑन होती है। दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, ज्यादा कोई फर्क नहीं था दोनों में। यहाँ पे कॉल को ओपन करते हैं दोनों में। इसमें थोड़ा सा डेफिनेटली पीछे था 6s Plus, लेकिन फिर भी हम इसमें इसको जज नहीं करेंगे। दोनों के कैमरा को ओपन कर लेते हैं कौन जल्दी ऑन होती है, ऑलमोस्ट सेम था। दोनों की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं, ये भी ऑलमोस्ट ज्यादा कोई फर्क नहीं था। तो इन ऐप्स को अगर हम टेस्ट करें तो हम इतना ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट स्पीड के साथ ही रन करती हैं। तो हम करेंगे जी इन ऐप्स को टेस्ट जिनको मैंने खुद डाउनलोड किया है। इनमें सोशल ऐप्स भी हैं, इनमें गेमिंग ऐप्स भी हैं, इनमें हैवी वाली गेम्स भी हैं जैसे कि PUBG ये वो, और इनमें वीडियो एडिटिंग ऐप्स भी हैं। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन हर कैटेगरी के ऐप्स ऐड करने की कोशिश की है ताकि हमें अच्छे से पता चल सके किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले सॉन्गटोर को ओपन करते हैं कौन जल्दी ऑन होता है जी। 12 Pro Max जल्दी ऑन हो गया, ये अभी टाइम ले रहा है, ये अभी ऑन हुआ है जी। YouTube को ओपन करते हैं जी कौन जल्दी वीडियो को लोड करता है जी। तो इसने वीडियो को लोड कर दिया, ये अभी टाइम ले रहा है और ये अब वीडियो को लोड कर रहा है जी। सबवे गेम को ओपन कर लेते हैं, ये चेक करते हैं कौन जल्दी ऑन करता है जी। तो इसकी लोडिंग स्टार्ट है, इसकी अभी तक लोडिंग नहीं स्टार्ट हुई। तू भी स्टार्ट कर दे भाई, इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए हमने को। इसकी गेम ऑन हो गई हुई है, लेकिन इसकी गेम अभी तक ऑन नहीं हुई। तो अगेन चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा ये टाइम लेता है। इसकी अभी तक लोडिंग चल रही है, इसकी अभी गेम ऑन हुई है जी। फ्री फायर को ओपन कर लेते हैं जी। फ्री फायर का क्या सीन है जी? इसकी गेम स्टार्ट है, इसकी भी गेम स्टार्ट हो गई है, लेकिन एंड पे देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है जी। इसकी लोडिंग स्टार्ट है, इसकी 100 पे पहुंच गया, इसकी भी 100 पे पहुंचता जल्दी। अभी देखते हैं जी कौन जल्दी हमें गेम पे लेके जाता है। तो इसके गेम लोडिंग, ये गेम पे पहुंच गया है X12 Pro Max, और ये जो है अभी तक नहीं पहुंचा। चल भाई जल्दी कर, जल्दी कर, हमें जाना है, पनवेल निकलना है। अभी तक ले रहा टाइम, अभी अभी पहुंचने वाला ये भी। तो ये भी पहुंच गया जी गेम के ऊपर। टेम्पो रन को टेस्ट कर लेते हैं। टेम्पो रन का क्या सीन है जी? दोनों को मैंने टैप कर दिया है, इसकी लोडिंग स्टार्ट है और इसकी लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब चेक करते हैं लास्ट पे कौन जल्दी यहाँ पे प्ले के ऑप्शन लेके आता है। तो डेफिनेटली यही लेके आएगा, आपको पता तो है इस बात का। तो फिर भी हम मस्ती कर रहे हैं, ये पहुँच चुका है और ये अभी पहुँच गया है। Spotify को ओपन कर लेते हैं जी। इसमें क्या सीन है जी? तो दोनों का Spotify ओपन है, इसका Spotify ऑन हो चुका है और इसका अभी तक ऑन नहीं हुआ। चल भाई हो जा ऑन, इसका भी ऑन हो गया जी। Amazon को टेस्ट कर लेते हैं जी। Amazon का क्या सीन है जी? इसका Amazon ऑन हो चुका है, लोडिंग हो चुकी है और इसकी लोडिंग भी हो चुकी है जी। Instagram को लोड कर लेते हैं। Instagram का क्या सीन है? इसका Instagram ऑन हो चुका है और इसका Instagram अभी तक लोडिंग ले रहा है, इसका भी ऑन हो गया जी। डेफिनेटली दोनों में फर्क था। Twitter को क्या सीन है जी? Twitter दोनों का ऑन कर दिया मैंने, लेकिन इसका ऑन हो चुका है 12 Pro Max का और इसका थोड़ी देर बाद ऑन हुआ जी। PUBG मोबाइल एक हैवी गेम को टेस्ट कर लेते हैं कौन जल्दी लोड करके देता है जी। स्टार्टिंग PUBG मोबाइल, अब देखते हैं आगे कौन पहुँचता है एंड पे। चेकिंग फॉर अपडेट्स के ऊपर ऑन है और इसके ऊपर अभी कोई सीन नहीं है। चल भी तू भी हो जा ऑन। इसके ऊपर भी चेकिंग फॉर अपडेट्स ऑन है और इसकी गेम ऑन होने जा रही है। 12 Pro Max की ऑन हुई है, लेकिन इसके अभी तक नहीं ऑन हुई। 20 सेकंड कह रहा है, 20 सेकंड कह रहा है जी। तो अभी इसकी भी ऑन हो जाएगी, इसकी भी ऑन हो गई। तो डेफिनेटली इन दोनों में काफी फर्क है। अगर आप गेम खेलोगे तो वो भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस फील होने वाला है। टिकटॉक को ओपन कर लेते हैं। टिकटॉक का क्या सीन है जी? इसकी टिकटॉक ऑन लोडिंग ले रही है, इसकी वीडियो ऑन हो गई और इसकी वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुई। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। इसकी अभी तक वीडियो ऑन नहीं हुई जी।
इसकी अब जाके वीडियो ऑन हो गई है जी। फेसबुक का क्या सीन है जी, फेसबुक को चेक करते हैं कौन जल्दी पोस्ट को लोड करता है, तो इसने पोस्ट को लोड कर दिया और इसने भी लोड कर दिया, डेफिनेटली ज्यादा कोई बड़े वाला फर्क नहीं था। जैपे का क्या सीन है जी, जैपिया इसने लोड कर दिया और इसने भी लोड किया है, थोड़ा सा फर्क था। व्हाट्सअप का क्या सीन है जी, व्हाट्सअप इसने कनेक्टिंग कर दी, दोनों का कनेक्टिंग चल रहा है जी अभी, इस दोनों का कनेक्टिंग एक साथ हुआ, ज्यादा कोई फर्क नहीं था दोनों में। स्नैपचैट का क्या सीन है जी, स्नैपचैट इसका जल्दी लोड हुआ इसके कंपैरिजन में, 6S प्लस के कंपैरिजन में। नेटफ्लिक्स को ओपन कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स का क्या सीन है जी, तो इसमें 12 प्रो मैक्स में रखा, मैं जल्दी ऑन करेगा नहीं, 6S प्लस ने जल्दी ऑन कर दिया 12 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। दोनों का मैंने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन रखा हुआ है, जिसका मतलब ये अगर मैं एक ऐप ओपन करता हूं ये ऐप ओपन होगी, उसके बाद मैं दूसरी ऐप ओपन करता हूं ये भी ओपन होगी, उसके बाद मैं तीसरी ऐप ओपन करता हूं ये भी ओपन होगी। अब मैं जब वापस से पहली ऐप ओपन करता हूं तो वो ऐप वहां से स्टार्ट होती है उसको जहां से मैं छोड़ के गया था, या वो वापस फिर से शुरू से रीस्टार्ट होती है। मतलब इन शॉर्ट हम इसकी मल्टीटास्किंग चेक करने जा रहे हैं, अगर एक फोन में हम 10 बार एप्लीकेशन यूज करें तो वो कैसे परफॉर्म करती है। तो अभी हम मल्टीटास्किंग में वापस से ऐप्स को ओपन करते हैं और चेक करते हैं क्या सीन है। साउंडक्लाउड को ओपन किया जी, दोनों का वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। यूट्यूब को ओपन किया जी, यूट्यूब भी दोनों की वहां से स्टार्ट हुई जहां से हम छोड़ के गए थे। सबवे को ओपन किया जी, इसकी भी ओपन कर लेते हैं, इसकी फिर से शुरू से स्टार्ट हुई है 6S प्लस की, और 12 प्रो मैक्स की वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे। फ्री फायर को ओपन कर लेते हैं जी, इसकी फ्री फायर फिर से शुरू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे। टेम्पल रन को ओपन कर लेते हैं, दोनों की टेम्पल रन वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे, टेम्पल रन में कोई फर्क नहीं आया। स्पॉटीफाई को ओपन कर लेते हैं, दोनों का स्पॉटीफाई भी वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। अमेजन को टेस्ट कर लेते हैं जी, अमेजन भी दोनों का वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। इंस्टाग्राम का क्या सीन है जी, इंस्टाग्राम भी दोनों का वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे, लेकिन इसका जो भी ऐप ओपन कर रहा हूं वो थोड़ा सा एक पॉज लेके प्ले हो रही है, मतलब स्टार्ट हो रही है। ट्विटर को ओपन कर लेते हैं, ट्विटर भी दोनों का वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। पबजी मोबाइल का क्या सीन है जी, दोनों की पबजी मोबाइल वहां से स्टार्ट हुई है, यही कह सकते हैं हम जी, वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे। टिकटॉक का क्या सीन है जी, दोनों की टिकटॉक भी वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे। फेसबुक का क्या सीन है जी, फेसबुक भी वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे। जैपिया का क्या सीन है जी, जैपिया भी दोनों का वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। व्हाट्सएप का क्या सीन है जी, व्हाट्सएप भी दोनों का वहां से स्टार्ट हुआ है। स्नैपचैट का क्या, स्नैपचैट भी वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। नेटफ्लिक्स भी दोनों का वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। इसका हमें दो दफा बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर इसका येगा, इसको हमें SS5 करके रखना पड़ेगा, फिर इसकी येगा, ऐसे कर करके दोनों को क्लोज करना पड़ेगा जी। जो लोग बाद में वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, दोनों फोन में वीडियो रेंडर करते हैं, चेक करते हैं कौन सा फोन जल्दी वीडियो को रेंडर करता है। तो वीडियो के लिए यहां पे मैंने VN को डाउनलोड किया है, इसको टेस्ट कर लेते हैं जी। न्यू प्रोजेक्ट, सेम वीडियो, दोनों के अंदर मैंने सेम वीडियो को ऐड कर दिया, यहां पे आप इसका सेकंड भी चेक कर सकते हो। एक्सपोर्ट मैनुअल, दोनों का रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल, दोनों का फ्रेम पर सेकंड 60 मैंने रख दिया, दोनों का बिट रेट मैंने 12.3 पे कर दिया। अभी इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कौन जल्दी वीडियो को एक्सपोर्ट करता है। डेफिनेटली 12 प्रो मैक्स करेगा, लेकिन हम फिर भी चस्के ले लेते हैं जी। और यहाँ पे 90 पे पहुंच गया, काफी ज्यादा फर्क आ गया जी। इसकी रेंडर हो चुकी है और इसकी अभी तक 40 पे भी नहीं पहुंची है, मतलब ऑलमोस्ट 65 का फर्क हम कह सकते हैं दोनों में। 9900 पे पहुंच गया जी, इसकी वीडियो भी रेंडर हो गई है जी। दोनों फोन के कैमरे की शटर स्पीड चेक कर लेते हैं कैसी है जी। आपने यहाँ पे चेक करना है कौन सा फोन जल्दी पिक्चर को लोड करता है, तो दोनों को एक साथ मैं क्लिक करता हूँ और चेक करते हैं कौन सा जल्दी लोड करता है। ये मैंने क्लिक कर दी तो ऑलमोस्ट सेम ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, एक आधी पिक्चर और क्लिक कर लेते हैं जी। ये मैं कर रहा हूँ क्लिक, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, एक दफ़ा और क्लिक कर लेते हैं। ठीक था, 12 प्रो मैक्स डेफिनेटली आगे जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बड़े वाला फर्क नहीं था, क्योंकि दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट है, तो इसलिए हम इसकी वेब ब्राउजिंग चेक कर लेते हैं दोनों की कैसी है। जो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी google.com, यहाँ पे मैं गो पे एक साथ क्लिक करता हूँ, इसने जल्दी ऑन कर दिया जी 12 प्रो मैक्स ने इसके कंपैरिजन में। लेकिन हम यहाँ पे बातें नहीं खत्म करते, हम मजीद अगर सर्च करते हैं जी iPhone 13, दोनों के एक साथ मैं सर्च के बटन पर प्रेस करता हूँ और चेक करते हैं कौन जल्दी ऑन करता है। 12 प्रो मैक्स ने जल्दी ना ऑन किया इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे भी हम बात नहीं खत्म करते, हम मजीद यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर टैप करता हूँ और चेक करते हैं कौन जल्दी लोड करके देता है जी। हमें मैंने टैप कर दिया एक साथ, 12 प्रो मैक्स ने जल्दी लोड कर दिया जी। अभी भी टाइम ले रहा है, अभी भी टाइम ले रहा है, अभी जाके ये लोड कर रहा है। यहाँ पे हम रीड अवर रिव्यू के ऊपर टैप करते हैं मजीद और चेक करते हैं कौन जल्दी लोड करके देता है जी हमें रीड अवर रिव्यू के ऊपर। इसने जल्दी लोड कर दिया जी, अभी भी टाइम ले रहा है। यहाँ पे हम कमेंट्स के ऊपर टैप करते हैं, ये चेक करते हैं कौन जल्दी लोड करके देता है जी। इसने जल्दी कर दिया, ये थोड़ा सा लेट किया इसने, तो डेफिनेटली ब्राउजिंग में भी फर्क आया था चीज़ों में। बोल सब्सक्राइब करो, इसमें बोल ऊंची आवाज में सब्सक्राइब करो। बहुत इसने ऐसा से बोला है, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए क्या कहना चाह रहा बच्चा, क्या बोल रहा है जी। सब्सक्राइब करो। दोनों का बेंचमार्क स्कोर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने Geekbench 5 डाउनलोड किया है, इसको ओपन कर लेते हैं। CPU जी, रन बेंचमार्क जी, अब चेक करते हैं दोनों का स्कोर कितना है। दोनों के बेंचमार्क में काफी ज्यादा फर्क है, इसका सिंगल कोर 556 है, इसका 1612, इसका 1044, इसका 4336, ट्रिपल फर्क। सिस्टम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोनों की, इसका चिपसेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसका A9 है और इसका A14 बायोनिक है, मतलब काफी बड़ा फर्क है 14 और 9 में। इसकी मेमोरी इन्फॉर्मेशन है, जो इसकी रैम है, इसकी 6GB रैम है, इसकी 2GB रैम है। इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसी है जी, इसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसी है। दोनों की ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल आपको दिखा दी है जो कि इसने यहाँ पे शो की है। अभी लास्ट पे चेक कर लेते हैं जी कौन सा फोन जल्दी पावर।
और ऑफ होता है, तो यहाँ पे इसको भी स्लाइड कर दिया, इसको भी स्लाइड, अभी एक साथ छोड़ता हूँ और चेक करते हैं किसका डिस्प्ले जल्दी बंद होता है। 6S प्लस का डिस्प्ले जल्दी बंद हुआ था इसका कंपैरिजन में। इसमें हम फिर क्या लेते हैं जी भाईजान के 6S प्लस जीत गया, क्या लें फिर, गुस्सा तो नहीं करोगे? तो बस यार वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, आपको पता चल गया ना कितना स्लो है इसका कंपैरिजन में। भाई नई चीज होती है और हैवी चीज होती है, और तीन कैमरे होते हैं और एक कैमरा होता है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।